मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी बेच के घर जाऊंगा, लेकिन अभी रात भी हो गया। ठीक है, एक नंबर और ना भाई। हाँ, ऐसे नहीं करिए, मेहनत को समझिए। घर का है ना, घर का रहे, बाहर का मेहनत सब में लगता है, ऐसा क्या बोलते हैं? घर वाला में मेहनत ज्यादा लगता है ना। और इधर देखिए, इसमें मेरा प्रॉफिट और इन्वेस्ट दोनों मिक्स है भाई लोग, इसको मुझको गिनना पड़ेगा। तो इसमें 2-3 पैसा भी गिर रहा है, लूंगा सोचा मैं। उसके बाद बोला कि 2-40 लगेगा, फिर बोला नहीं बाबा छोड़ दो, रहने दो। मेरे इस नए वीडियो में फिर से आप सभी का, मेरे इस हृदय, फेफड़ा और 2 किडनी से आप सभी को जोहार और स्वागत करता हूँ। तो इस साइकिल में हवा कम है, इसीलिए आज हम लोग हवा भर रहे हैं। इसका एक कारण भी है, क्योंकि अभी हम इस साइकिल में ओवरलोड करने वाले हैं, और क्या लोड करूंगा वो भी बता रहा हूँ। इधर देखिए, इसमें थोड़ा सा ग्रेन नहीं भरा, और इसमें भी है, आज 2 थैला में है, और इसलिए आज हम लोग 2 साइकिल लेके जाऊंगा। ये वाला साइकिल एक, और एक वो वाला साइकिल एक, वो वाला। अभी हमारा तैयारी हो गया है बाजार जाने के लिए। और इधर देखिए, इसको पूरा पैकिंग हो गया है, इसके ऊपर गमछा दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर खाली था थोड़ा सा जगह। अभी मैं खीरा लोड करने के बाद मैं घर से निकल चुका हूँ, और पीछे पीछे मेरा भाई आ रहा है, तो मुझको थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा। ऐसे ही घर से लेट हो गया, 4:30 लगभग बच गया है, नहीं तो बैठने के लिए जगह वगैरह नहीं मिलता है वहाँ पर, इसीलिए। तो ये इधर जो आप पीछे देख रहे हैं मेरा, ये वाला धुरवा डैम है। अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मुझे ढलान मिल गया है, अभी मेरा साइकिल बहुत स्पीड से जाएगा बिना पैडल मारले। देखिए इधर जा रहा है, मैं पैडल भी नहीं मार रहा हूँ यहाँ पर ही। स्पीड देखिए, चक्का कितना स्पीड से रोड दिखा रहा है। अरे बाबा, अभी तक मैं जितना खीरा बेचा हूँ उससे सबसे ज़्यादा आज लेके जा रहा हूँ। मुझको जल्दी भी जाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड से पैडल मारना पड़ेगा रे भाई। मेरे भाई लोग, मैं घर से निकला था 4:15, और अभी 5:45 बजने वाला है, लगभग आधा घंटा हो गया, और 5 मिनट लगेगा पहुंचने के लिए मुझको। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि बाजार में क्या हाल है। और इधर देखिए, वो वाला उधर जो दिख रहा है, वो वाला है जगन्नाथ मंदिर, छोटा सा जो दिख रहा है, वहीं पर हम लोग का झारखंड का सबसे बड़ा रंथ मेला लगता है। मैं आखिरकार पहुँच ही गया बाजार, और अभी दिखा रहा हूँ बाजार दूर से कैसे दिखता है। इधर देखिए, यही वाला बाजार का शुरुआत यहीं से होता है हम लोग का। मैं अभी पहुंच चुका हूं बाजार, और मैं जहां पर बैठता हूं वहां पर जाके खोजता हूं जगह। मैं बाजार के अंदर घुस चुका हूं, और यहां पर दोनों साइकिल को लगा दिया है, यहां पर एक और यहां पर एक। अभी पता नहीं कहां बैठूंगा, पता नहीं चल रहा है, तो पहले जगह का डिसाइड कर लेता हूं अच्छा से, नहीं तो कोई अंजादी आकर उठा दिया तो। अभी मैं बैठने से पहले दाम पूछने के लिए आ गया हूं, क्योंकि अगर मुझे दाम पता नहीं रहेगा तो मैं कैसे रेट फिक्स करूंगा। इसीलिए मैं कहां, यहां पर दिख रहा है, यहां पर कैसे खीरा सर? 20। मैंने 2-3 जगह पूछा, लेकिन सब जगह 20 रुपये किलो बिक रहा है, तो मेरा भाई को भी बोलूंगा कि 20 रुपये किलो बेचने के लिए। अभी पूरा बादल कर दिया है, पता नहीं पानी उनी आएगा कि क्या करेगा, ऐसा लग रहा है। इधर देखिए, मेरा पहला ग्राहक पूरा यहाँ पर भीड़ हो गया। दीदी ने कितना तोड़े दीदी? 1 kg। कैसे कैसे बेचा थी भाई? आंबा और करेली और टमाटर 10 रुपये। आज सस्ता हो गया, इतना झुकती याद है। मैं झुकती ही देता हूँ, लेकिन बोलते हैं कि और झुकती दीजिए। अब काटा वाला रहता तो मजा लगता है ना, घर का रहे, बाहर का मेहनत सब में लगता है, ऐसा क्या बोलते हैं? घर वाला में मेहनत ज्यादा लगता है, नहीं जानते हैं लगाने पटाने वो तुम जान रहे तो। ऐसे नहीं करिए, मेहनत को समझिए। देखते हैं ना, ये वो खराब है उधर। तभी तो पूरा ग्राहक भर के आ रहे थे, लेकिन अभी पूरा खाली हो गया है। और अभी इधर अभी इतना सा बच गया है, ये लगभग 2 किलो जैसा होगा, इसको खत्म करूंगा। उसके बाद में मैं बाजार घूमूंगा, क्योंकि जो पैसे से मैं अभी बेचा हूँ ना, उसी से मुझे को सब्जी उब्जी भी खरीदना है घर के लिए, और कुछ कुछ अपने लिए भी खरीदना है। तभी से मैं आधा घंटा बैठा हुआ हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। अभी लगता है हमको चिल्लाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा कोई। आइए, देसी खीरा खत्म हो गया, जल्दी आइए। मेरा सब खीरा खत्म हो गया है। और इधर देखिए, इसमें मेरा प्रॉफिट और इन्वेस्ट दोनों मिक्स है भाई लोग, इसको मुझको गिनना पड़ेगा। तो इसमें 2-3 पैसा भी गिर रहा है, 4-5 लगभग 550 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है, और 50 रुपये मैंने घर से लाया था उसको मिला के 600 रुपये हो गया। तो क्या बताए, अपना घर का सामान रहता है तो बेचने के लिए मजा ही कुछ और लगता है। मैं खीरा बेच के खत्म कर दिया, और मेरे सामने एक छोटी मैया बैठी थी यहाँ पर, टमाटर करेली और आम बेच रही है, तो मैं यहीं से 1 किलो भी ले रहा हूँ। अभी मैं खीरा बेचने के बाद में आ गया हूँ कुछ कुछ खरीदने के लिए। और इधर देखिए, दतुअन मिल रहा है। कैसे दतुअन दादी? ये वाला 15 रुपया कौन में करे? और सखुआ वाला? अच्छा,
और अभी मैं पहुंच चुका हूं अपना सेंडोगंज लेने के लिए, क्योंकि जो मैं काम करके फाड़ दिया था उसका पूरा पसीना पसीना हो गया था ना, इसीलिए अभी नया वाला यहां से लूंगा, यहां से यही दुकान से यहां से। अभी बाबा निकाल रहे हैं गंजी। कैसे कैसे दाम है सर? कई गो दो गो एक के को दे ये भाई, एक पिन के फाड़बो फिर दूसरा वाला। 70 रुपया मैंने ले लिया ये वाला सेंडो गंजी, 70 बोल रहा था, लेकिन 10 रुपया मैं इसको डिस्काउंट पे कम करवाया और 60 दिया हूँ और इसको लिया हूँ। ये वाला कौन सा कलर है पता नहीं, गोल्ड, कौन सा गोल्ड कंपनी का है, पहन के देखूंगा तब ना मजा लगेगा। और इधर सूखा मछली मिल रहा, ये वाला कहाँ मछली के दादा? और इधर भी है, ये वाला तो चिंगड़ी है छोटा वाला। अभी मैं साग लेने के लिए आ गया हूँ, ये वाला कहाँ साग है भैया? अरे अरे भैया डर है, फेस को ढक दी है, शक्ल नहीं दिखाएंगे बोल के लाजे। अरे अभी देर ही है, साग कितना 10 रुपया ना इसका? ठीक है। अभी मैं मुचरी साग लेने के बाद मैं यहाँ पर राशन दुकान में पहुँच चुका हूँ, यहाँ से मुझको तेल लेना है और चीनी। चीनी कैसे सर? 45 रुपये किलो चीनी। इधर देखिए यही वाला चीनी है और यहाँ पर है सरसों तेल। मैंने नींबू ले लिया यहाँ पर 10 का 4 गो और इधर ही 10 का 5। ये वाला 10 का कितना है सर? 10 का 2, 10 का 1 और 20 का 3 दे रहे हैं। नहीं अभी मेरा सब्जी बाजार हो गया है, उसके बाद में मुझको सेव खाने का मन किया तो मैंने खरीदा। ये वाला दिख रहा है ना, 1 का 20 रुपये लिया है, 160 रुपये किलो बोल रहा था, 2 गो लूंगा सोचा मैं। उसके बाद में बोला कि 2 का 40 रुपये लगेगा, फिर बोला नहीं बाबा छोड़ दो रहने दो, फिर मैंने 1 लिया। कहा भाई खाएगा? हाँ खाएंगे। मेरा जो सामान लाया था वो खत्म भी हो गया और मैंने सब्जी भी बाजार कर लिया और अभी घर जा रहा हूँ। पूरा रात हो गया है, मोबाइल पर टॉर्च चला कर अभी वीडियो बना रहा हूँ। और इधर देखिए पूरा बाजार, अभी पूरा शाम हो गया है पूरा। मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी बेच के घर जाऊंगा, लेकिन अभी रात भी हो गया और सामने भी देख के जाना पड़ रहा है, नहीं तो रोज पूरा आँख में मार रहा है, पूरा देख के नहीं चलाऊंगा तो बजर दूंगा सामने भाई लोग। अभी मैं बाजार से सीधा आ गया हूँ दुकान यहाँ पर सत्तू लेने के लिए। 1 किलो सत्तू ले रहा हूँ क्योंकि गर्मी का दिन है ना और खाना उना खाने का मन नहीं करता, इसलिए सुबह सुबह नाश्ता में सत्तू मेरा घर वाला पीता है, कभी कभार रिश्तेदार सब आता है तो उन सबको भी देने के लिए काम आता है, तो यहाँ से मैं सत्तू ले रहा हूँ यहाँ से। अभी मैं ले लिया सत्तू यहाँ पर, 1 किलो 120 रुपये लिया, यहाँ पर ताज़ा ताज़ा बढ़ा के बेचता है और पाकिट वाला लेंगे ना वो थोड़ा सा रहता है तुरंत खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ से लिया हूँ। अभी मैं धुरुआ बस स्टैंड में हूँ भाई लोग, और मेरा भाई बोल रहा था कि कैमरा पकड़वाया खर्चा नहीं कराएगा, तो ये अभी तीन पी रहा, देखा भाई कहाँ ये वाला, इसका 20 रुपये लिया है, मुझको 20 रुपये चुनो लगा दिया बस कैमरा पकड़ने का, और मेरे साथ आया था उसका कोई बात नहीं, अगर ग्रो होगा तो और खरीद दूंगा इसके लिए, 1 पेटी खरीद दूंगा क्या भाई है। और यहाँ से मुझको जाने के लिए और आधा घंटा लगेगा और यही वाला साइकिल से अभी फिर से हम लोग को जाना पड़ेगा। चलो भाई बैठो तुम इसमें और मैं इसमें बैठता हूँ, चलो स्टार्ट करो। किक मार किक। हाँ ठीक है ठीक। यहाँ पर धुरुआ बस स्टैंड नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर बस स्टैंड है असली में और यहाँ पर बस रहता है। और देखिए यहाँ पर जाने के लिए कहाँ तैयार हो गया है ये वाला बस, अभी छूटेगा और इससे पीछे भी एक है यहाँ पर वाइट वाला, जय माँ मुंडेश्वरी। और इधर भी है एक, इधर भी।